हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बोर्ड वायरिंग करने वाले हैं। तो यह 5 पिन सॉकेट है, तो यह 5 पिन सॉकेट 5 है हमारे पास, और एक स्विच है। तो एक स्विच से हमें 5 पिन सॉकेट को ऑन ऑफ करना है, और यह वायर हमने लिया है, इसी वायर से हमने करना है। 1.5 mm का वायर है, और यह क्या कहते हैं प्लग है, आरके लाइट का। तो हम इसे इतना सामग्री इसमें लगाएंगे और बोर्ड को वायरिंग करना है। तो 5 मतलब इस तरफ फिट करने में 5 इस तरफ हम लोगों को लगाने पर इस तरफ हम लोग लगाने पर 5 पिन सॉकेट ही लग रहा है, इसमें स्विच नहीं लग रहा है। तो हमने एक नया तरीका निकाला है, स्विच को हम इस साइड लगाएंगे, इस साइड हम लोग स्विच लगाएंगे और ऑन ऑफ करेंगे नए डिज़ाइन की तरफ से नए बोर्ड। तो वीडियो को देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए, और ऐसे बोर्ड वायरिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने इसे सोल्डर द्वारा गर्म कर इसे हिका कर और इस चाकू से हमने काट दिया है, और इसमें होल भी कर दिया है, और यह 5 पिन सॉकेट एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें होल भी लगा दिया है। और हम इसे काट देंगे पूरा, इसी तरह निकाल देंगे, और हम इसे कस कर और इसको वायरिंग करेंगे। वीडियो लंबा ना हो के इसलिए हम वीडियो को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमने इस बोर्ड को कट कर दिया है, और हम इसे स्क्रू लगा कर इसे कस देंगे। वीडियो में बने रहे और मज़ा लेते रहे। तो दोस्तों, हमने देख लीजिए इस बोर्ड को कस लिया है, देखिए, और इधर हमने स्विच किया है। इस बोर्ड का स्विच, इस स्विच से पूरा यह ऑन ऑफ होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए यह बोर्ड कैसा बन रहा है। और वीडियो को आगे चलते हैं, और इसका हम लोग वायरिंग करते हैं, और वायरिंग का कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने 5 पिन सॉकेट लगाया है, और लेफ्ट वालों को लेफ्ट वाले से वायरिंग किया है 5 पिन सॉकेट, और राइट वालों को राइट से किया है। और इसी को 2 वायर निकला है, और इसे हमने स्विच में एक लेफ्ट वाला ऊपर वाला स्विच में वायरिंग कर लिया हूँ, और नीचे वाला डायरेक्ट निकाल लिया हूँ, और इसमें से एक निकाल लिया हूँ, एक ये मतलब डायरेक्ट इसी वोल्टेज में चला जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें।